मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष के गोली मारकर हत्या कर देने के बाद गुना नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने इस बात की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि दिन ब दिन प्रदेश में स्थिति गंभीर होती जा रही है, कानून का किसी को डर नहीं रहा, वहीं अपराधी बेखौफ अपने कारनामे को अंजाम देते जा रहे हैं। सलूजा ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं प्रदेश भर के सभी नगर पालिका अध्यक्ष जल्दी इस बात का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम देंगे, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। बहुत दुखद घटना है मंदसौर के, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को कल गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत दुखद घटना है, मैं दुख प्रकट करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को हिम्मत दे और मध्य प्रदेश सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि इंदौर में एक व्यापारी की हत्या और अब चुने हुए प्रतिनिधि नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या बहुत दर्दनाक है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की चौपट हो चुकी है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। और ये घटना बहुत दुर्गंद घटना है, पूरे मध्य प्रदेश के नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और आज हम पूरे मध्य प्रदेश के नगरपालिका अध्यक्षों से संपर्क करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन भी देंगे कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और इसके पीछे किसका षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाए। और बहुत दर्दनाक घटना नगरपालिका अध्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि के साथ हुई है,